देखो इस क्वेश्चन के अंदर टू पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ क्यू एंड टू क्यू आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ डी अपार्ट। समझ में आ रहा है यहां तक? थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू इज टू बी प्लेस्ड इस लाइन के ऊपर इन सच अ वे दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन छोटा क्यू एंड टू छोटा क्यू इज जीरो। इक्विलिब्रियम वाली बात कर रहा है वो, क्योंकि नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या है कि स्मॉल क्यू एंड टू क्यू मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स क्या होती है? जीरो। तो कैपिटल क्यू को यहां रख दिया तो मुझे एक्स निकालना है, तो ये डिस्टेंस कितना है? डी माइनस एक्स। कंडीशन क्या है? क्यू और टू क्यू इक्विलिब्रियम में, तो यानी नेट फोर्स क्यू एंड टू क्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। ठीक, तो ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कैपिटल क्यू, आपने भी अज्यूम किया होगा कैपिटल क्यू। फिर नेट फोर्स जीरो किस पे करनी है? छोटे क्यू पे, उस टू क्यू पे। तो मैंने पहले यहां से स्टार्ट किया, सारे फैक्टर पहले इस पे ड्रॉ किए। ये कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू को क्या करेगा? रिपेल, रिपेल करेगा। तो वेक्टर यहां होगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। तो वेक्टर इधर होगा, दो वेक्टर लेफ्ट हैं, दोनों ऐड होके जीरो आंसर दे नहीं सकते। जो दोनों लेफ्ट हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगी फोर्सेस, फोर्सेस ऐड होंगी तो आंसर जीरो नहीं आएगा, बात ही खत्म, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, सेम सिचुएशन इसके साथ है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो करनी है। जब फोर्सेस इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे तो कैपिटल क्यू टू क्यू को रिपेल करेगा, छोटा क्यू टू क्यू को रिपेल करेगा, फिर आंसर जीरो नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन करने वाले को समझ में आनी चाहिए कि जो ये चार्ज एज्यूम करना है ये पॉजिटिव करना है या ये नेगेटिव करना है, और ये ट्राई करके पता लगेगा। कैपिटल क्यू से बात नहीं बनी तो दिस चार्ज मस्ट बी नेगेटिव। अब नेगेटिव से फायदा क्या हुआ? नेगेटिव से ये फायदा हुआ कि नेगेटिव चार्ज इस क्यू को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट, और वो पॉजिटिव चार्ज इसे क्या करेगा? रिपेल। सही है, क्लियर यहां तक? तो नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट, पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल। ठीक, इधर की बात करें, माइनस क्यू टू क्यू को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट, और क्यू टू क्यू को क्या कर रहा है? रिपेल। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो अब ये तो मानते हो इस पे नेट फोर्स जीरो करने के लिए ये वेक्टर की वैल्यू इस वेक्टर की वैल्यू के इक्वल हो जाए तो नेट फोर्स जीरो, और ऐसे ये वेक्टर इसके इक्वल तो नेट फोर्स जीरो। इसका मतलब माइनस क्यू शुड बी नेगेटिव, ये रूल समझ में आ रहा है? तो ये हर क्वेश्चन के अंदर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? वेक्टर्स। अगर नेट फोर्स जीरो करनी है तो एक और दूसरा वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक, तो वो बताएगा नहीं, वो क्वेश्चन पूछने वाला नहीं बताएगा कि आंसर पॉजिटिव की नेगेटिव, वो आप डिसाइड करके देखेंगे। आप पहले पॉजिटिव पुट करेंगे, बात नहीं बनी तो नेगेटिव पुट करके देखेंगे। तो इसमें ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, फोर्स बोलो 1/4πε0 क्यू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू बाई एक्स का स्क्वायर। फोर्स के फॉर्मूले में पॉजिटिव पुट करना होता है, बताया था मैग्नीट्यूड पुट करना है, क्योंकि माइनस साइन क्या कर रहा है? फैक्टर की डायरेक्शन शो कर रहा है। और ये 2q q को क्या कर रहा है? रिपेल। 1/4πε0 q into 2q by total distance कितना है? d। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? फोर्सेस क्लियर है सबको? ठीक है, yes। इसकी बात करें, माइनस q 2q को अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स बोलो 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू 2q डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही, और ये q 2q को रिपेल कर रहा है 1/4πε0 q into 2q by d का स्क्वायर। तो दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दिस फोर्स एंड दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दिस फोर्स। तो दो इक्वेशंस तैयार हो गई 1 एंड 2। दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो दोनों इक्वेशंस का राइट हैंड साइड भी बराबर है। करो राइट हैंड साइड बराबर आंसर, चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है, तो इन्हें अगर आप राइट हैंड साइड इक्वेट करेंगे तो q q सब कैंसिल होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने है x की वैल्यू आ जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे सोचना है इसमें? ठीक, क्यों लिया? देखो मैंने इसलिए लिया क्योंकि देखो सपोज करो आपके पास ये q है और ये 2q है, और मैंने ही उठा के q ले लिया।
मैं चाहता हूं कि इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जीरो आए, ठीक है। अब इसको जीरो करने के लिए क्या स्मॉल क्यू पे फोर्सेस देखे कौन लगा रहा है, एक कैपिटल क्यू लगा रहा है जो इसे क्या करेगा रिपेल, वो पॉजिटिव भी इसे क्या करेगा, बात बनेगी नहीं ना, दो वेक्टर ऑपोजिट होंगे तभी कैंसिल करेंगे। तो मैंने इसे नेगेटिव ले लिया, टू क्यू ने इस क्यू को रिपेल किया पर माइनस ने इसे, अब ये कैंसिल हो सकते हैं इसलिए माइनस लिया। क्लियर है यहां तक? तो ये आपने सोचना है। अब नेक्स्ट है, ये तो क्वेश्चन बनता है यार आपका करना, वेक्टर छुपा रहा हूं मैं, आप इस क्वेश्चन को देखें और देखें कि इसको कैसे करना है। इसमें भी डिसाइड करना पड़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव। अब कैसे डिसाइड करना है आप सोचें कि मैंने माइनस क्यों लिया प्लस क्यों नहीं लिया।